ओम शांति। आज 7 मई 2024 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप से करंट लेने हैं तो सर्विस में लग जाओ। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। प्रश्न है, बच्चों को स्थाई खुशी क्यों नहीं रहती, मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि न होने कारण खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती है। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है। ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं, हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। अर्थ कितना सहज है। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। वह कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, यह कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो, सब सितारों का बाप भी चाहिए ना। गाया जाता है सूर्य चांद और लकी सितारे, तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे, उनमें भी नंबर वार हैं। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है फिर सितारों में कोई डीम होते हैं, कोई बड़े तीखे होते हैं, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। सितारे हैं ना, तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है भ्रकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। बाप कहते हैं यह सितारे यानी आत्माएं बड़े वंडरफुल हैं। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका कोई को पता नहीं है, आत्मा ही शरीर से पार बजाती है, यह बड़ा वंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबर वार है, कोई कैसे कोई कैसे। बाप उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है, तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वह बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है ना। अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते भी हो ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं। यह तो छोटा मॉडल रूप में बनाया हुआ है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं बहुत मददगार हैं, महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं ना। यह मंदिर यादगार बहुत अच्छा है, एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे यह हमारा ही यादगार है। अभी तुमको रोशनी मिली है और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्यों को सुनाते हैं सत सत करते जाते हैं, वास्तव में है झूठ, उसको सत समझते हैं। अब बाप जो ट्रूथ है वह बैठकर तुमको ट्रूथ सुनाते हैं जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं, सारे झाड़ का रास तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत सहज है परंतु टाइम क्यों लगता है? नॉलेज वा वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ तुम आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। घर में जाने से इतना नहीं रहता, यहाँ सब नंबर वार हैं। कोई तो यहाँ बैठे होंगे बुद्धि में यही नशा होगा, हम बच्चे वह बाप हैं, बेहद का बाप और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो उस एक को ही याद करना चाहिए और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती हैं, किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, सब बता सकती हैं। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल हैं उनको ही देखता रहता हूँ। बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं। हुबहू कल्प पहले मिसल
यह राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। यह तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं रहती। बाबा के साथ है ना, तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं, सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकते। अब बाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अल्फ और बे, बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब वापिस जाना है। इसलिए अब बाप को याद करना है तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। यह तो सहज है ना, परंतु माया तुमको भुला देती है। माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। वह खुशी स्थाई नहीं रहती है। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह सब है गुप्त बातें, कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं तो कर्म विकर्म भी नहीं होते। माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए। रावण और राम का खेल है, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। दिन और रात संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो दिन शुरू होना है। वह शूद्र वर्ण वाले थोड़े ही समझते हैं। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं, तुमको तो जाना है आवाज से परे। तुम तो अपने बाप की ही याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा समझती है। अब बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं, अब तुमको ज्ञान मिला है। वह शिव बाबा है, उनका यह चित्र है, वह तो लिंग ही समझते हैं। अब तुमको तो ज्ञान मिला है, वह लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो है निराकार, निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे वह क्या करेंगे। साकार हो तो स्वीकार भी करें, निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे वह क्या करेंगे। बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हो वह तुम ही पीते हो, भोग आदि भी तुम ही खाते हो। यहाँ तो मैं सम्मुख हूँ ना, आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट हैं। नीचे आकर पाठ बजा रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं। बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए, वहाँ हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति ही अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में अशांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से, बाकी राजाई मिलती है पढ़ाई से। कल्प पहले भी तुमने यह सुना था, अब भी सुनते हो, जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाप कहते हैं कितने बच्चे आश्चर्यवत भागंती हो गए, मुझ माशुक को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूँ तो फिर छोड़ कर चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। बाबा अनुभवी तो है ना, बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोकी नंगे पाँव दौड़ता था। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे।
मास्टर का बच्चा आया, जैसे गुरु का बच्चा आया, बाजरी का ढोड़ा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था, ढोड़ा और छाछ खाने का, और कुछ भी नहीं बनता था। बीमार आदि सबके लिए यही बनता था, किसको कुछ भी हुआ नहीं। और रही बीमार, बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए, देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, यह नहीं होना चाहिए या यह चाहिए। चाहना को चेहरा यानी जमादार कहा जाता है। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला, बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है। जो कुछ देना होगा वह खुद ही देंगे, यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप ही समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं, वह हाथ उठाए तो सबने हाथ उठाया। हाथ तो झट उठा देते हैं, जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे तो झट हाथ उठाएंगे। यह पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं, यह तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वह जैसे सन्यासी बन जाते हैं, जैसे इनका लौकिक बाप था। वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला, हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहाँ ले चलो। हिस्ट्री सुनाना, तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, न ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा वह है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वह निराकार परमपिता परमात्मा कब कैसे आया, उनकी जयंती मनाते हैं, यह कोई को पता नहीं। वह तो गर्भ में नहीं आते हैं, समझते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। तो अब बाप तुमको कहते हैं, बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म लिए, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, हिसाब तो जानते हो ना, तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। कहाँ आकर बैठता हूँ, इनकी आत्मा जहाँ बैठी है उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ, हे आत्माओं मामे कम याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, यह है राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक हैं, सदगुरु एक हैं, वही सत्य हैं, बाकी तो सब झूठ हैं। तुम जानते हो एक है रुद्रमाला, दूसरी है वैजयंती माला विष्णु की, उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे, जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते हो, परंतु जानते नहीं हो कि यह माला किसकी है, ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाने कौन है। जिसकी माला फेरते हैं समझते कुछ नहीं, ऐसे ही राम राम कहते माला फेरते रहते हैं, राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला है, माला का अर्थ ही नहीं जानते। कोई कहते 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो, बाप तो अनुभवी है ना, 12 गुरु किए हैं, 12 का अनुभव लिया। ऐसे भी बहुत होते हैं, अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए, माला आदि फेरते हैं, है बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं, शिव बाबा फूल है ना, माला के दाने तुम अनन्य बच्चे बनते हो, तुम्हारा फिर सिमरन चलता है, उनको कुछ भी पता नहीं। वह तो कोई राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं, श्री कृष्ण शरणम कह देते। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, उनकी शरण कैसे लेंगे, शरण तो बाप के लिए जाती हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो,
84 जन्म ले पतित बने हो तो शिव बाबा को कहते हैं, हे फूल हमको भी आप समान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। दूसरी पॉइंट है, बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वह बाप हैं। उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आज का वरदान है, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। विश्लेषण है, वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती हैं, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति भी रहम की भावना हो तो कभी घृणा ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्श कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देह भान नहीं होता। आज का स्लोगन है, दूसरों को सहयोग देना है, स्वयं के खाते जमा करना है। दूसरों को सहयोग देना है, स्वयं के खाते क्षमा करना है। अच्छा, ओम शांति।